श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। दशहरा का यह महापर्व हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वता रखता है। इस दिन श्री राम जी ने लंकापति रावण का वध किया था। विजयादशमी के दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप भी किसी केस में विवाद में फंसे हुए हैं, घर में क्लेश वाद विवाद होते रहते हैं, सास बहू के बीच हो या फिर माता पिता के बीच में हो, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़े लगातार होते रहते हैं, तो आपको विजयदशमी के दिन यह उपाय करना है। आपको क्या करना होगा कि विजयदशमी के दिन 10 गांठे दुर्वा की आपको लेनी है। 10 गांठे दुर्वा की लेने के बाद साथ ही एक शुद्ध लोटा जल ले लीजिएगा। यह सब सामग्री लेने के बाद आपको नजदीकी शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से यह 10 गांठे शिवलिंग पर अर्पित करनी है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सबसे पहले महादेव को 2 गांठे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिएगा। उसके बाद 2 गांठे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, 2-2 गांठे दुर्वा की कार्तिकेय और गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करिएगा। साथ ही में बची हुई 2 गांठे आपको जलाधारी पर अर्पित करनी है। अब जो शुद्ध लोटा जल आप लेकर आए हैं, उसे लेकर महादेव को पतली धार से जल अर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यह उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। विजयदशमी के दिन आप किसी भी मुहूर्त में यह उपाय कर सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि महादेव की पूजन में या उपाय में कभी भी मुहूर्त नहीं देखा जाता, तो आप 5 अक्टूबर को यह उपाय एक बार अवश्य कर लीजिएगा। घर में चल रहे क्लेश परेशानियां वाद विवाद सब नष्ट होंगे, साथ ही में दुश्मनों का भी नाश होगा। मैं आशा करता हूं इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर आप और कुछ जानकारी इस उपाय से जुड़ी हुई प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस दिन नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने से विजयदशमी के दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके आसपास नजदीकी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, तो आप एक बार जाकर महादेव के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।